मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय के तीन सिर व छह भुजाएं थी। ये त्रिदेवों के अंश माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। एक बार नारद मुनि भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्ग लोक गए, परंतु उनकी भेंट त्रिदेवों में से किसी से ना हो सकी। उनकी भेंट त्रिदेवों की पत्नियों पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती जी से हो गई। नारद ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के समान पतिव्रता, धर्म वाली, शील एवं सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी है। आप तीनों देवियां भी पतिव्रत धर्म पालन करने में उनसे पीछे हैं। यह सुनकर उनके अहम को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थीं कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री संसार में नहीं है। नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म नष्ट करने का आग्रह किया। संयोगवश त्रिदेव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे। तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था, अनुसुईया का पति धर्म नष्ट करना। तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण कर अनुसुईया से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली देवी अनुसुईया ने कहा, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूँ। तीनों देव स्नान करके आए तो अनुसुईया ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब तुम प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों के हमें भोजन कराओगी। अनुसुईया के तन बदन में आग लग गई, परंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेवों की चाल समझ गई। अनुसुईया ने अत्रि ऋषि के चरणोदक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया, जिससे त्रिदेव छोटे बालकों के रूप में बदल गए। तब सबको उनकी शर्त के मुताबिक अनुसुईया ने भोजन कराया तथा पालने पर अलग अलग उन्हें झुलाने लगी। काफी समय बीत जाने पर भी जब त्रिदेव नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता होने लगी। त्रिदेवियां त्रिदेवों को खोजती हुई अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची और सती अनुसुईया से त्रिदेवों के बारे में जानकारी करने लगी। अनुसुईया ने पालनों की ओर इंगित करके कहा कि तुम्हारे देव पालनों में आराम कर रहे हैं, अपने अपने देव को पहचान लो। परंतु तीनों के चेहरे एक से होने के कारण वे ना पहचान सकी। लक्ष्मी जी ने बहुत चलाकी से विष्णु को पालने से उठाया तो वे शंकर निकले। उस पर उनको बड़ा उपहास सहना पड़ा। तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसीलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। इस पर त्रिदेवों के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिसके तीन सर तथा छह भुजाएं थी। यही बालक बड़ा होकर दत्तात्रेय ऋषि कहलाए। अनुसुईया ने पुनः पति चरणोदक से त्रिदेवों को पूर्ववत कर दिया।